हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? घर का क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन और बाकी काम डेली करना इतना इजी नहीं होता है ना। बट ये सारे काम जब हम कुछ टिप्स फॉलो करके करते हैं तो ये सारे काम काफ़ी हद तक इजी पड़ता है। टाइम और एक्सपीरियंस के साथ मैंने कुछ टिप्स फॉलो करना स्टार्ट किया है। ये टिप्स और ट्रिक्स ही आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ऑलमोस्ट खत्म होने वाले सैनिटाइजर बॉटल्स में पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी एक कॉटन क्लॉथ में इसके फ्यू ड्रॉप्स ऐड करके मैं ये कर्टेन रॉड्स को क्लीन करूंगी। इससे बहुत इजीली और कम टाइम में क्लीन हो जाता है। इसको मैं घर के फर्नीचर वगैरह क्लीन करने के लिए भी यूज़ करती हूँ। ये घर के सर्फेसेस को क्लीन करने के साथ साथ जर्म्स किल करने में भी हेल्प करता है। कार्टेंस को जब वॉशिंग मशीन में वॉश करने डालते हैं तो मशीन में इनके रिंग्स डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। बट ऐसे रोप से रिंग्स को टाई करके नॉट बना के जब हम मशीन में डालते हैं तो रिंग्स का डैमेज होने का कोई चांसेस ही नहीं रहता है। आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा, कभी कभी वॉशिंग मशीन में पानी का फ्लो काफ़ी कम हो जाता है। ऐसे होने से मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो गया सोच के हम लोग कई बार टेक्नीशियन को भी बुला लेते हैं। बट ये प्रॉब्लम को हम घर पे ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मशीन के बैक साइड की तरफ लगा हुआ इनलेट बल्ब्स को खोल के ऐसे पानी में वॉश कर लेना है। नेक्स्ट बैक साइड की तरफ ही लगा हुआ स्मॉल बल्ब को निकाल लेना है। इसको क्लीन करना एकदम ही इजी है, बस रनिंग वाटर में कुछ सेकंड के लिए इसको क्लीन कर लेना है। बस अभी इनको पहले के जैसे ही लगा लेने के बाद बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अपने हाथों को और किचन को केमिकल से सेफ रखने के लिए होममेड क्लींजर यूज़ करती हूँ। बेकिंग सोडा और विनेगर को लुकोवार्म वाटर के साथ मिक्स करके ये क्लींजर रेडी कर लिया है। क्लीनिंग में यूज़ करने के लिए मेरा एक ओल्ड टी शर्ट कट कर लिया है। बस अभी बहुत इजीली कम टाइम में पूरा किचन का क्लीनिंग मैं कर लूँगी। पीने का पानी से लेकर कुकिंग में यूज़ होने वाले पानी तक इलेक्ट्रिक केटल में ही बॉईल होता है। सो इसको बहुत फ्रिक्वेंटली क्लीन करना पड़ता है। इसको इजीली क्लीन करने के लिए सॉल्ट, विनेगर
और 2 कप वाटर ऐड करके बॉईल कर लेना है। इस मेथड से इसको क्लीन करना काफ़ी इजी होता है। इस पानी को एक सॉस पैन में रख रही हूँ। इस पानी से क्या कर सकते हैं नेक्स्ट टिप में बताती हूँ। बस अभी इसको नॉर्मल वाटर से 2-3 टाइम्स वॉश कर लेना है। सॉस पैन में रखा हुआ पानी में थोड़ा लिक्विड डिटर्जेंट ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी किचन टॉवल्स को इसमें 5 मिनट्स के लिए सोक करके रखूंगी। 5 मिनट्स के बाद अभी इनको मैं क्लीन कर लूंगी। ये मेथड से किचन टॉवल्स क्लीन करना काफ़ी इजी होता है। आयरन कुकर को रस्ट फ्री रखने के लिए इनको प्रॉपरली सीजनिंग करना ज़रूरी होता है। कुकर को क्लीन करने के बाद वाइप करके कुकर को 2-3 मिनट्स के लिए गर्म कर लेना है। इसके बाद कुकर में कुकिंग ऑयल अप्लाई करके 2-3 मिनट्स के लिए फिर से गर्म करने के बाद बस हो गया आयरन कुकर का सीजनिंग। घी ख़त्म होने के बाद इन ग्लास बॉटल्स को क्लीन करना बहुत ही टफ होता है। बट ऐसे 1/4 कप हॉट वाटर डाल के ऐसे इसको क्लीन करना काफ़ी इजी है। हॉट वाटर से साइड्स में लगा हुआ घी मेल्ट हो जाता है, साथ साथ बाद में इसका स्टिकर भी क्लीन करना इजी होता है। अभी इस पानी को मैं यूज़ करूँगी पराठा का डो रेडी करने के लिए। ये घी और गर्म पानी की वजह से ही पराठा काफ़ी सॉफ्ट और टेस्टी बनता है। ये पराठा आप लोग ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा। और देखिए गरम पानी की वजह से ही बॉटल का स्टिकर इजीली रिमूव हो गया। आर्टिफिशियल होम फ्रेशनर अवॉइड करने के लिए मैं कपूर एज ए नेचुरल होम फ्रेशनर यूज़ करती हूँ। कपूर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये जर्म्स किल करता है, घर को ओडोर फ्री रखता है और इंसेक्ट्स जैसे एंट, बेड बग्स और मॉस्किटो से भी प्रोटेक्ट करता है। किचन में कितने सारे कंटेनर्स की ज़रूरत होती है ये तो हमें पता ही है। घी बॉटल्स हो या अलग कुछ फूड आइटम्स लाया हुआ बॉटल्स हो, सबको मैं क्लीन करके रीयूज़ करती हूँ स्टोरेज पर्पस के लिए। ये बॉटल्स एयर टाइट होने के कारण इनमें कोई भी फूड आइटम्स रख सकते हैं।
डेली किचन में यूज़ होने वाले टूल्स में से एक है ये चॉपिंग बोर्ड। डेली यूज़ होने के कारण इसमें स्क्रैचेस आ गई है। वुडन चॉपिंग बोर्ड के स्मूथनेस एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए इसमें ऑयल अप्लाई करके रखती हूँ। इससे वुडन चॉपिंग बोर्ड काफ़ी स्मूथ दिखता है, इसलिए मैं बीच बीच में वुडन चॉपिंग बोर्ड में ऑयल अप्लाई करती हूँ। आज लंच के लिए राइस कुक करने वाली हूँ। राइस क्लीन करने से बहुत वाइट वाइट पानी निकलता है ना, इसलिए मैं राइस को 3-4 टाइम्स अच्छे से वॉश करती हूँ। और ये राइस वॉश किया हुआ पानी मैं स्टोर कर रही हूँ। कुकिंग से पहले राइस को हाफ एन आवर के लिए सोक करके रखने से कुकिंग फास्ट होता है। और अभी ये जो राइस वाटर है, ये वाटर प्लांट्स में फर्टिलाइजर बूस्टर के काम करता है। लंच के लिए आज मेरे नेटिव स्टाइल का फिश करी बना रही हूँ। ये करी में एसेटो मसाला बहुत कम ही यूज़ करते हैं, बट मैंने थोड़ा मसाला ऐड करके बनाया है। आज का 12 टिप्स में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करना न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। आज के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।